अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ब्राउनीज की एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेगुलर केक लाइक ब्राउनीज की रेसिपी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही रिच, फजी, गुई एंड चॉकलेटी ब्राउनीज की रेसिपी है। तमाम चॉकलेट लवर्स के लिए जबरदस्त ट्रीट है। अगर आप भी मेरी तरह फजी, गुई, चुई सी ब्राउनीज पसंद करते हैं तो फिर ये रेसिपी ट्राई करना आपके लिए मस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ब्राउनीज बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्राउनीज का जो पैन है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने 8x8 का स्क्वायर पैन ले लिया है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। आप बटर या ये जो स्प्रे ऑयल होता है इसकी मदद से, या रेगुलर ऑयल की मदद से भी, वेजिटेबल या कैनोला ऑयल कुछ भी ले लें। इसको ग्रीस कर लें चारों तरफ से। इसके ऊपर हम जो पार्चमेंट पेपर लगाएंगे तो वो ईजिली इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा और हमें केक ब्राउनी निकालने में भी बाद में आसानी होगी। पार्चमेंट पेपर को पैन में अच्छी तरह से हम प्लेस कर देंगे। ओके जी, पार्चमेंट पेपर हमने पैन में अच्छी तरह से लगा दिया है। तो ये पैन तैयार हो गया। इसको मैं अभी साइड पर रखती हूँ। और अब एक कप के अंदर मैंने 10 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर ले लिया है। इस अनसॉल्टेड बटर के अंदर, अच्छा ये 140 ग्राम्स के करीब है अगर आप इसका मेजरिंग स्केल पे वेट करें। आई रेकमेंड कि आप एक बार थोड़ा सा खर्चा करके मेजरिंग स्केल ज़रूर ले लें, बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कोई सा भी मेजरिंग स्केल, डिजिटल वाला या मैनुअल वाला, कोई सा भी आप ले लें। बहुत ईजी हो जाता है जब आप, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो कप की मेजरमेंट दी हुई होती है, आपके कप की मेजरमेंट और फिर जो रेसिपी में मेजरमेंट दी हुई होती है उसमें थोड़ा सा 18-20 का डिफरेंस आ जाता है और उसकी वजह से आपकी पूरी रेसिपी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप एक बार मेजरिंग स्केल ले लें और उसके ऊपर ग्राम्स में हमेशा रेसिपी को मेजर कर लिया करें। सो ये तकरीबन 10 टेबलस्पून 140 ग्राम्स के करीब मेरे पास बटर है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मेरे पास 1/3 कप सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं। ग्राम्स में ये हैं ऑलमोस्ट 65 ग्राम्स। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 1/4 कप के करीब 50 ग्राम्स बिटर स्वीट चॉकलेट चिप्स हैं। डार्क चॉकलेट चिप या बिटर स्वीट, जो स्वीटनेस जिसके अंदर कम होती है, थोड़ी सी डार्क कड़वे होते हैं, ये वाली चॉकलेट चिप्स मैंने ले ली हैं ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब। आप चाहें तो सारी सेमी स्वीट चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, आपके अपने पसंद पे है। बट मुझे इसके अंदर बिटर स्वीट एंड सेमी स्वीट दोनों का जो मिक्सचर होता है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर आपकी जो ब्राउनी का फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मीठी या बहुत ज़्यादा स्वीट ब्राउनीज नहीं होती हैं, बिटर एंड स्वीट का मिक्सचर होता है जो बहुत ही मज़ेदार होता है। सो ये हमने इसके अंदर 1/4 कप 50 ग्राम्स बिटर स्वीट चॉकलेट चिप डाल दी हैं एंड 1/3 कप 65 ग्राम्स सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स एंड 10 टेबल स्पून 140 ग्राम्स बटर। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी 15-20 सेकेंड्स के लिए। हम 2-3 दफ़ा इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। पहले रखेंगे माइक्रोवेव में 15-20 सेकेंड्स के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे, किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से हम इसको 15-20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। इस तरह से 2-3 बार आप इसको दोहराएंगे जब तक ये कम्प्लीटली आपकी चॉकलेट और बटर मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, तकरीबन 20 सेकेंड्स के बाद हल्का हल्का सा ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक ही गो में इसको 1-1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में नहीं रखिएगा, वरना तो बटर का जो सारा टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको 15-20 सेकेंड्स के इंक्रीमेंट्स के साथ हमने 2-3 दफ़ा या 3-4 दफ़ा, जितनी देर में भी ये मेल्ट हो जाए उतनी दफ़ा इसको माइक्रोवेव में रखना है। ओके जी, इसको मिक्स करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ 20 सेकेंड्स। और ये जनाब चॉकलेट बटर के साथ बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये देखिए, ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया है। मैंने 3 दफ़ा 20 सेकेंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव में रखा एंड एवरी 20 सेकेंड्स के बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में से निकाल के थोड़ा सा स्टर किया और फिर दोबारा रख दिया। तो इस तरह से हमारा मेल्टेड चॉकलेट का मिक्सचर तैयार हो गया। इसको मैं अभी रखती हूँ साइड पे। अब एक बोल के अंदर मैं 2 अंडे डाल दूंगी। कोशिश कीजिएगा कि अंडे रूम टेम्परेचर पे हों,
और अब इन अंडों के अंदर ये मेरे पास 3/4 कप के करीब शुगर है, वाइट शुगर, थोड़ी सी बारीक पिसी हुई चीनी है, बहुत मोटी वाली जो क्रिस्टल्स होते हैं वाली चीनी मत लीजिएगा वरना उसको डिसॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट 3/4 के करीब मेरे पास शुगर है, इसका वेट ऑलमोस्ट होगा 165 ग्राम्स के करीब, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अब इस अंडों और शुगर को हम बीट करेंगे मीडियम हाई स्पीड पे, और हमने इसको कम्प्लीटली शुगर को डिसॉल्व होने तक बीट करना है। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। और ये देखिए जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया है, और ये देखिए ज़बरदस्त सा सिल्की स्मूथ पेल साइज का टेक्सचर हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, ये जो हमने चॉकलेट एंड बटर को मेल्ट करके रखा था माइक्रोवेव में, ये मैं इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं ऐड करूंगी इसके अंदर ये 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी ले ली है, इंस्टेंट कॉफ़ी, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल के कॉफ़ी को हम डिसॉल्व कर लेंगे पानी में, और ये कॉफ़ी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करती है कॉफ़ी ब्राउनीज के अंदर। कॉफ़ी एंड चॉकलेट मिक्सचर ऐड करने के बाद मीडियम स्पीड पे बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा हम बीटर को बंद कर देंगे। बीटर का काम ख़त्म हो गया, इसको हम रख देते हैं साइड पे। और अब इस लिक्विड मिक्सचर में हम कुछ ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले ये मैंने एक सिफ्टर ले लिया है, आप सिफ्टर या किसी भी छलनी की मदद से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर छान के ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 1/2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है, तकरीबन इसका वेट 65 ग्राम्स के करीब है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया सिफ्टर में। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास कोको पाउडर है 1/3 कप के करीब। अच्छा, कोको पाउडर 2 डिफरेंट तरह के होते हैं, एक होता है ये डच प्रोसेस और एक होता है ये रेगुलर अनस्वीटेंड कोको पाउडर जो होता है, दोनों ही अनस्वीटेंड है, बट एक रेगुलर कोको पाउडर है और एक डच प्रोसेस है। आई रेकमेंड कि इस रेसिपी में आप डच प्रोसेस यूज़ करें, थोड़ा डार्क इंटेंस बोल्ड फ्लेवर होता है उसका, सो ये आप इसके अंदर डाल दें, बट अगर नहीं है तो आप रेगुलर कोको पाउडर अनस्वीटेंड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये 1/3 कप कोको पाउडर, जिसका वेट अगर आप देखें तो तकरीबन 35 ग्राम्स के करीब होगा, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, तीनों चीज़ें साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे और हम इसको सिफ्ट कर लेंगे। और अब हम एक स्पैचुला की मदद से ड्राई फ्लावर मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे चॉकलेट के बैटर में। एहतियात के साथ हमने जेंटली इसको फोल्ड करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है वरना आपकी ब्राउनीज के अंदर एयर डेवलप हो जाएगी और रिजल्ट फिर मज़ेदार नहीं आएगा। तो एहतियात के साथ ये वाला आपने प्रोसेस करना है इस तरह से स्पैचुला को घुमा घुमा के। तमाम ड्राई मिक्सचर को हमने वेट मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है। ओके जी, फ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है चॉकलेट के बैटर के अंदर। ये देखिए ज़बरदस्त शाइनी मज़ेदार सा इसका टेक्सचर हो गया है। और अब इस टाइम पे इसके अंदर ऑप्शनली मैं कुछ चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1/3 कप के करीब, और इसको हम फोल्ड कर देंगे चॉकलेट चिप डाल के, हल्का सा जेंटली फोल्ड करना है। ज़बरदस्त सा हमारा ब्राउनी का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं बेकिंग डिश के अंदर। अभी जो बेकिंग पैन हमने पार्चमेंट पेपर के साथ तैयार करके रखा था, तमाम मिक्सचर ब्राउनी का हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इवन आउट कर दें तमाम पैन के अंदर ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए
ग्राउंड मिक्सचर पूरे पैन में। ये देखिए बैटर देखने में ही इतना फजी ज़बरदस्त शाइनी सा लग रहा है, और बेक होने के बाद इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब मैं इस ब्राउनी मिक्सचर को अवन में बेक होने के लिए रखूंगी। मैंने अवन प्री हीट किया हुआ है अराउंड 340 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस प्री हीटेड अवन में हम इसको बेक करेंगे अराउंड 22 to 25 मिनट्स। ओके जी, मैंने 22 मिनट्स के बाद इसको अवन से निकाल लिया है। अच्छा, हमने किस स्टेज पे इसको अवन से निकालना है वो मैं आपको चेक कराती हूँ। एक टूथपिक लेके इसके सेंटर में डालें, और जब आप निकालेंगे तो हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा क्रम्स लिक्विड से इसके अंदर आने चाहिए। द रीज़न इज़ कि अगर आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया कि जब आप टूथपिक डालें तो बिल्कुल वो क्लीन निकल रही है, इसका मतलब आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो ओवर कुक हो गई हैं। क्योंकि जब आप इसको अवन से बाहर निकालेंगे तो अभी ये पैन के अंदर भी, क्योंकि हीट है अच्छी खासी, तो ये पैन के अंदर भी थोड़ा सा मज़ीद कुक होंगी। तो इसको अंडर कुक ही हमने थोड़ा सा जब हो तभी निकाल लेना है, तभी आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो गुई चुई सी मज़ेदार सी बनेंगी। ओके जी, ये मैंने निकाल के इसको पैन में अभी रख दिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसको पैन में से निकाल के एक रैक के ऊपर रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ओके जी, 5 मिनट के बाद मैंने ब्राउनीज़ को ठंडा होने के लिए एक रैक के ऊपर रख दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, और इसके बाद मैं इसके पीसेस काट के आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। ओके जी, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं कर लेती हूँ इसके पीसेस। जितने बड़े साइज के पीसेस आपको चाहिए आप वो कर लें। और ये देखिए जनाब, चुई फजी गुई मज़ेदार सी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए ऊपर ज़बरदस्त क्रैकल शाइनी टॉप, और अंदर से ये बेहतरीन फजी गुई लोडेड विथ चॉकलेट। ये देखिए आ रहा है ना मुँह में पानी, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल ज़बरदस्त सी ये ब्राउनी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपने अभी तक ब्राउनीज़ की जो रेसिपीज़ ट्राई की हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लगेगा आपको इन ब्राउनीज़ का। बनाइए, ट्राई कीजिए, इन्जॉय कीजिए, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कॉमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।